केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के निर्देश पर प्रदेश के दो कैबिनेट मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा और प्रद्युमन सिंह तोमर ग्वालियर महाराज बाड़ी में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचे। वे सबसे पहले गोरखी स्थित निर्माणाधीन पार्किंग का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां पर निरंतर काम धीमी गति से चलने की शिकायतें मिल रही थी। इसके साथ ही उन्होंने महाराज बाड़ी के चारों ओर से पेडेस्ट्रियन जोन, प्रादेशिक मुद्रणालय और सहित अन्य कामों को भी उन्होंने देखा है। सामाजिक न्याय मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने कहा कि शहर का हृदय स्थल महाराज बाड़ा अपने आप में अनूठा है, इसे सुंदर बनाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इसके बारे में अधिकारियों से चर्चा की गई है। इस दौरान स्मार्ट सिटी CEO नीतू माथुर, एडिशनल SP समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। लोग देख रहे हैं जो स्मार्ट सिटी के तहत जो कार्य यहाँ चल रहे हैं, क्योंकि इस महाराज बाड़े की सुंदरता के लिए हमारे केंद्रीय मंत्री श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बहुत तीव्र गति से इस शहर की सुंदरता के लिए, विकास के लिए लगे हुए हैं। तो उन्हीं के मार्गदर्शन में उन्होंने एक टीम बनाई थी निरीक्षण के लिए कि क्या काम इनकी गति कैसे और जल्दी आगे बढ़े, तो वो देखने के लिए हम लोग आज आए हैं। माननीय मंत्री जी हैं प्रद्युमन सिंह जी और भी पार्षदगण हैं जनप्रतिनिधि उनके साथ में। पार्किंग के काम को भी देखा जो है, क्योंकि पार्किंग का काम स्लो चलने की बातें, पर जितनी गहराई से नीचे से उसका काम चल रहा है, जितनी मजबूती के साथ में, तो उसमें समय लग रहा है। फिर भी अभी माननीय मंत्री जी ने भी निर्देश दिए हैं कि काम जल्दी शीघ्रता से हो, तो शायद काम गति अब आगे और पकड़ेगा।